हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फेसबुक पे टैक्स फॉर्म कैसे फिल करें। अगर आप टैक्स फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन रुक सकती है, आपकी पेमेंट रुक सकती है, काफी सारे आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा ये आपको कैसे फिल करना है। जैसे हम यूट्यूब पे फिल करते हैं, ऐसे ही सेम आपको फेसबुक पे फिल करना है। बस एक दो फंक्शन अलग है जो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। जैसे जैसे मैं फिल करूंगा भाई, ऐसे ऐसे आपको करना है। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए आए हो भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं अपनी डेली रूटीन की ब्लॉगिंग डालता हूँ, जलालाबाद व्लॉग्स के नाम से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा और सामने भी बोर्ड पर आपको दिख गया होगा, जलालाबाद व्लॉग्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं डेली रूटीन की ब्लॉग डालता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फोन में गाइड करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा पेज है जलालाबाद व्लॉग्स के नाम से, इस पे मैं डेली रूटीन की व्लॉगिंग डालता हूँ। तो इस पे मेरा क्राइटेरिया पूरा हो गया, 5000 फॉलोवर्स हो गए और 6000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको टैक्स फॉर्म कैसे फिल करना है। तो सिंपली आपको जाना है इसके प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, उसके बाद मोनेटाइजेशन टैब में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद इन स्ट्रीम एड्स पे क्लिक करना है। जब आपका पेज मोनेटाइज हो जाता है तो आपके ऐसे ऑप्शन आते हैं। उसके बाद आपको एड पे आउट अकाउंट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको कुछ बेसिक डिटेल है जो आपको भर देनी है। ये कैसे फिल करने हैं इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इससे पहले वीडियो मोनेटाइजेशन के ऊपर ही है, तो उसमें मैंने सारा बता रखा है कैसे आपको फिल करना है। तो अब ये सब फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रॉपरली फिल करना है। अगर आप इसमें कुछ भी मिस्टेक करते हो तो आपको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको फिल करना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा ये जो आपकी मेन आईडी है उसके बारे में। अगर आपका पेज है तो आपने किस फेसबुक अकाउंट से अपनी आईडी बना रखी है, वहां पे जाके आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर आपको कंटिन्यू एज कुणाल कर देना है, क्योंकि मेरा इसी नाम से फेसबुक अकाउंट है और इसी से मैंने पेज बना रखा है। तो ये करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये आपका टैक्स फॉर्म खुल गया है। अब आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे आपको फिल करना है। 4-5 स्टेप होते हैं इसमें। तो जहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ वहाँ पे आपको नो करना है, और जहाँ पे मैं यस कर रहा हूँ वहाँ पे आपको यस करना है। तो प्रॉपरली बड़े ही ध्यान से करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो ऑटोमेटिक आपका इंडिविजुअल आ गया। ये आपका पूछ रहा है कि आपका बिजनेस अकाउंट है या इंडिविजुअल है। तो मैंने इंडिविजुअल ऑलरेडी पहले ही फिल कर रखा है, तो वो इंडिविजुअल आ गया। सेकंड वाले में आपको नो पे क्लिक करना है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि आप यूएस सिटीजन हो या इंडियन हो। तो हम इंडियन है तो उस पर नो पे क्लिक करना है। थर्ड वाले में भी आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। अभी आपका नाम पूछ रहा है, आपकी आइडेंटिटी पूछ रहा है। जो नाम आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में वही सेम नाम आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, उसके बाद आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको आई हैव ए नॉन यूएस टीएन ये सेलेक्ट कर लेना है, और सिंपली फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में है। तो बड़े ध्यान से आपको सारा एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका एड्रेस है वो इस तरह से आपको शो होगा, मतलब जो भी आपने भरा है वो आपको ऐसे दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, प्रोवाइड एडिशनल डिटेल्स टू रिलेटिंग टू योर सर्विस। तो आपको सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है 0% पे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, कंसेंट एंड साइन। तो आपको यहाँ पे अपने साइन करने हैं, साइन के प्रॉपर नेम लिखना है आपको। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। देखो ये लिख रहा है सिग्नेचर, टाइप योर फुल नेम। तो यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर पूरा नाम लिख देना है। नीचे जिस दिन आपने फॉर्म फिल करा है उस दिन की डेट है, ये डेट भर देनी है। ये डेट ऑटोमेटिक ही आती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनल स्टेप आएगा, रिव्यू एंड सबमिट। तो ये इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। आपको एक बार फॉर्म अच्छी तरह से पढ़ लेना है, वैसे तो मैंने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ से सबमिट फॉर्म कर देना है। सबमिट फॉर्म करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो आपको सारी दिख जाएंगी, आपका एड्रेस, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका नाम। अगर आपकी ये सारी डिटेल्स सही है तो फिर आपको नीचे राइट वाले ऑप्शन पे राइट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद सिंपली डन कर देना है। तो फाइनली दोस्तों आपका फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया है। अब आपको 15-20 सेकंड का वेट करना है, उसके बाद आपके सामने सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। ये आ गया दोस्तों आपके सामने सक्सेसफुली एडिड पे आउट अकाउंट। तो आपका फॉर्म पूरी तरह फिल हो गया है। तो चलते हैं दोस्तों, जो दोस्त नए आए हो भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।